तो हेलो गाइस, आज मैं फाइनली बात करने वाला हूँ BMW G310 RR के बारे में, जो कि रिसेंटली अभी लॉन्च होने वाला है अगले महीने के 15 जुलाई तक इंडिया में, जो कि BMW की स्पोर्ट बाइक 310cc में आने वाली है। तो चलिए इस बाइक के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल है, अगर वीडियो कैसे आप लोग बहुत पसंद अच्छे होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर ले इसका इंजन का, तो जो आपको टीवीएस अपाची RR 310 में देखने को मिलता है, सेम इंजन देखने को मिलने वाले हैं इसमें आपको। और BMW का G310 R जो GS आता है उसमें भी सेम इंजन होता है, क्योंकि BMW और टीवीएस अपाची वाले ने कोलैबोरेट करके इस इंजन को बनाया था, जो कि RR 310 आप देखते हैं अपाची उसमें का। इसका जो प्रोफाइल पिक्चर है, बॉडी का एग्रेसिव है, लुक है, डिजाइन है, एग्जॉस्ट नॉट है, सेम टीवीएस अपाची की तरह है। इसका टैंक पे आपको BMW का लोगो मिल जाता है, इसका और टैंक पे कुछ ग्राफिक मिल जाता है G310 RR का, और रेड और वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन इसको दिया गया है। इसमें तीन कलर आता है जिसमें आप देख सकते हो, रेड ब्लू वाइट का कॉम्बिनेशन वाला हमारे सामने है फ्रंट पे, उसके नीचे देख सकते हो ब्लैक कलर है। उसके बाद इसके वेरिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं, तो लगभग 20 GHP की पावर प्रोड्यूस करता है और 25 से 26 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसके प्लग फेयरिंग पे देख सकते हो तो G310 RR देखने में लगता है, और ये इसका रेड कलर वाला वाइट एंड ब्लैक। तो BMW का जो सिग्नेचर कलर है ब्लू एंड रेड, तो काफ़ी इस पर मैच कर रहा है। और इसका फ्रंट का हेलो लाइट देख सकते हो, सेम टू सेम टीवीएस अपाची की तरह है। थोड़ा सा आपको इसमें BMW S1000 RR का झलक साइडों से देखने को मिल जाएंगे, आप फ्रंट से देख लो तो सेम टीवीएस अपाची RR की तरह दिखता है आपको। और बैक से देखोगे, टेल लाइट देखोगे इसका बैक से, तो सेम टीवीएस अपाची RR 310 की तरह दिखता है आपको ये। और भाई इसकी प्राइस के बारे में जान लें, लगभग 4 लाख के करीब आने वाला है। और अपाची RR 310 जो वैल्यू फॉर मनी इसके सामने में उभर के आती है, क्योंकि वो उसका प्राइस जो होने वाला लगभग 3.5 लाख से नीचे का प्राइस है उसका, और ये समथिंग 4 लाख को टच कर जाती है। और इसका बैक लाइट टेल लाइट देख सकते हो आप, सेम अपाची 310 वाला है, इंडिकेटर भी सेम वैसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इन दोनों में से कोई बाइक लेना चाहते हो तो वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो आप टीवीएस अपाची की तरह जा सकते हो, और आपको एक बड़े ब्रांड चाहिए तो आप BMW को बाइक परचेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम यहीं तक इतना ही बता सकते हैं आपको, बाकी इसकी पूरी डिटेल्स नहीं आया है, जितना मेरे को अंदाज़ा लगा सके उतना लगा करके मैं एक वीडियो। आई होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बाकी डिटेल्स बाइक आने के बाद आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही,